तेरे को रिक्शा चलवाऊंगा, आएगा कल चलाने? क्यों आ रहा हूँ? क्यों नहीं चलाएगा? तो कैसे कह रहा बेरोजगार है? कैसे कह रहा बेरोजगार है? कैसे मन लगा रहा है? आठवीं बार देखो तो ये बेरोजगार। बॉडी मसाज मेरे को फौज में लगा दो सीधे, मेरे को जॉब चाहिए फौज की। माय गॉड, जवाब बना लोगे? कंपनी खोलूंगा। एक सेकंड, किस चीज की कंपनी खोलूंगा? रोजगार दूंगा। कंपनी कौन सी कंपनी? कपड़े की कंपनी। लक्ष्मण जी, मेरे योगी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उन्हें पहले हनुमान जी से लड़ना पड़ेगा। क्या नाम है मेरे भाई? क्या नाम है? मेरा आर्यन नाम है। इसका मतलब इनको परमानेंट जॉब दे दी है। आर्यन भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा। देख, इनको भी आर्यन भाई दे जॉब मिल गई है, आई थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है जॉब नहीं मिला है भैया, देश के अंदर काम किया है मोदी ने। बताइए क्या जॉब है? जॉब मिलेगी जब हम तारीफ करेंगे मोदी की। बताया देश को बेनिफिट किया जब तो तारीफ कर रहे हैं। बताइए मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए। बात तारीफ की नहीं हो रही है, बात तारीफ की नहीं है, ना ही किसी चीज की है। क्यों नहीं है? बात बेनिफिट है ना देश के अंदर, मोदी ने कार्य किया है ना। आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे? मोदी ने कार्य किया है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 65,000 राज्य किया देश में। क्या किया कांग्रेस ने? धारा 70-300 लागू थी जम्मू कश्मीर में, क्या लागू उठा पाई थी? मोदी ने 5 साल के अंदर उठा दी। क्या नहीं किया मोदी ने? अभी मैं बोलूंगा, फिर बहुत बोलता हूं मैं। मोदी है जो धार्मिक है, एक हिंदू धर्म को फॉलो करता है मोदी, और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है, इसलिए देश के अंदर उसने कार्य नहीं किया। बात कर रहे हो वो धर्म के ऊपर बात कर रहे हो? अबे भाई सुनो मेरी बात, आईटी की बात बोल रहे हो क्या? भाई आप विपक्ष को भगा देते हो यार। सुनो मेरी बात, मैं उस पे भी आऊंगा। सुनो विपक्ष को भगा देते हो यार। धर्म के ऊपर बात मत करो। सुनिए, धर्म के ऊपर बात मत कीजिए। बात धर्म के ऊपर मत कीजिए। धर्म अपनी अपनी जगह ठीक है। आप बात कीजिए आपको क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है, मींस क्या आपको बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे श्री राम देश के अंदर है, हमें बहुत कुछ मिल गया, और क्या चाहिए बताइए? जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सारी की सारी टोटली कांग्रेस की देन है। आज की अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, किसी पे भी नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, संविदा अभी तक प्राइवेट बेस पे चल रही है, जो की है एक ठेकेदारी, और अभी तक प्राइवेट से गवर्नमेंट नहीं हो पा रही है। संविदा समझते हो? कितने लोग समझते हैं संविदा? भाई मेहनत करोगे जॉब क्यों नहीं लगेगी? पढ़ाई करो, मेहनत करो, जॉब क्यों नहीं लगेगी ये बताओ? पहले तो मैं भाई से एक सेकंड रुक जाओ इधर आओ। मोदी तुम्हारे घर बैठे जॉब देने जाएगा क्या? तुम्हें पढ़ाने जाएगा? इधर आओ यार, ये बात गलत है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मैं पहले पूछना चाह रहा था कि भाई का प्रोफेशन क्या है? व्यक्तिगत नहीं यार, कहाँ व्यक्तिगत है इसमें? देखो, अगर मैं कल को ये कहता हूँ कि देश में बेरोजगारी है, कि देश में नौकरी नहीं है, मैं किस एविडेंट के बेसिस पे कह सकता हूँ भाई? ग्राउंड लेवल पे कुछ तो कॉन्क्रीट आपके सब्सटेंशियल होना चाहिए बोलने के लिए। मैं इसी भाई से, अगर मैं उस भाई से पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो क्या गलत है उसमें? प्रोफेशन ही तो जानना चाह रहा हूँ। अब एक बार बताओ, व्यक्तिगत हो रहे हैं आप? कहाँ व्यक्तिगत है यार, कल को तुम भी अगर बोलोगे बेरोजगार हो, मतलब बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी कौन भाई? 1,000 आदमी रेल बसेरा पड़े हुए हैं, 1,000 आदमी, 10 लाख आदमी भाई साहब में खाते हैं। ओ भाई, ओ भाई, सुन तो ले भाई, सुन तो ले भाई, बकवास मत कर। कहाँ बेरोजगारी? कहाँ बेरोजगारी भाई? बेरोजगारी नहीं है, कहाँ बेरोजगारी है? कौन बेरोजगारी? सुनो सुनो, देख मैं मेरी बात सुनो, क्यों नहीं बेरोजगारी इतनी है? सरकार तुम्हें खाने के लिए हराम का दे रही है, इतनी तुम हराम योग काम नहीं करते हो। कहाँ बेरोजगार हूँ? इतनी बढ़िया जैकेट, एक सेकंड रुक जाइए। और ये बेरोजगार है? मैं तो बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ मैं, मेरे पास जॉब नहीं है। तुमको राशन दे रही है सरकार हराम का, इतनी हराम का तुम खा रहे? बेरोजगारी है, काम करना नहीं चाहते हो, बेरोजगारी है देश में। क्या बेरोजगारी है बताइए? एक कंट्रोल से तुम्हें राशन फ्री का मिल रहा है, हराम का राशन मिल रहा है, खा रहे हो और कह रहे बेरोजगारी है। किसकी बेरोजगारी है बताओ? हार्वी डेविसन की जैकेट पहन रखी है इसने, काले रंग का चश्मा लगा रखा है इसने, ये बेरोजगार है। ये वही लोग है मोए मोए वाले। सवाल तो पूछ ले लीजिए, कितना पढ़े लिखे हो? 8वीं पास है, रोजगार क्या दे? 8वीं पास, चश्मा लगा रहा है 8वीं पास, देखो तो ये बेरोजगार। हराम का खा रहे रेन बसेरा में, हराम का खा रहे रेन बसेरा में पड़े हुए हैं, तो बेरोजगारी किसकी है बताइए? काम करना नहीं चाहते हैं। अगर नौकरी मिले तो बेरोजगार है तू? तुम पढ़े हो नौकरी के लिए? क्या बेरोजगारी है बताओ पहले?
हराम का खा रहे रैन बसेरा में पड़े हुए हैं, 1000 आदमी यहाँ पड़े हुए हैं। बताओ मुझे क्यों नहीं है हराम का रैन बसेरा में खाना नहीं मिलता है क्या? क्या हराम का नहीं है सरकार के वो? हराम का नहीं है क्या वो? बेरोजगारी काम करना नहीं चाहते हैं? कितनी बेरोजगारी बताइए, क्या बेरोजगारी है? हराम का खा रहे, कंट्रोल से राशन मिल गया, पेंसिल दे रही है, और क्या दे सरकार? तुम्हारे मुँह में खाना खिलाया जाए क्या? बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी बेरोजगारी है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए जो नलायक हैं, जो काम चोर हैं। देखिए, नियम और कानून के अनुसार मैं किसी के ऊपर पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना यही दे है कि सब यहाँ पर नौजवान लड़के हैं, सब काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई कोई काम चोर है जो माँ बाप का पैसा खा खा के माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं, वही नलायक है। वो आठवीं लोग फेल भी है, नौवीं फेल भी है। मैं तेरे को रिक्शा चलवाऊंगा, आएगा कर चलाने? क्यों आ रहा हूँ? क्यों नहीं चलाएगा? तो कैसे कह रहा बेरोजगार है? कैसे कह रहा बेरोजगार है? कैसे कह रहा बेरोजगार है? बता यार, तो क्या है, कैसे रहा बेरोजगार है? रिक्शा क्यों चलाऊंगा मैं? क्यों रिक्शा? एक मिनट भाई, 10 साल बॉडी बिल्डिंग की रिक्शा क्यों चलाऊं? 10 साल बॉडी बिल्डिंग की रिक्शा क्यों चलाऊं? ये कह रहा अभी ये कह रहा है बेरोजगार है जो देश में, जो सुन ले एक सेकंड, जो देश में इतना रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? तो क्या गलत मैंने तो कह दिया? रिक्शा चला, ऑटो चला, बॉडी बिल्डिंग रिक्शा चलाने के लिए की थी, ऑटो चला ना 10 साल में बॉडी बिल्डिंग। भाई देख, तूने बोला तू आठवीं फेल है, तो आठवीं फेल तू रिक्शा चलाएगी? क्यों चलाऊं रिक्शा? चला रिक्शा क्यों? तू रिक्शा मैंने बॉडी बिल्डिंग की थी, आठवीं बॉडी चलाने के लिए नहीं की। सवाल पूछने दोगे यार? अरे बॉडी बिल्डिंग करी तो बढ़िया है, तो पेट का मोजा का रिक्शा चला ले। आपका नाम क्या पहले ये बताइए। सुनो, देश में ना, पहले भी इसने बोला मैं रिक्शा क्यों चलाऊं, देश में जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे, क्या वो रोजगार नहीं है? क्या वो अपने घर का पेट पालन नहीं कर रहे? क्या वो अपनी जीविका नहीं चला रहे? तो कैसे कह रहा है वो बेरोजगार है? अब तू आठवीं फेल है, तू बॉडी बिल्डर है, मेरे तुम तो रिक्शा चलाना नहीं चाहते हो, जींस का पैंट पहन के और जिस में लगा के घूमना चाहते हो, तुम रिक्शा नहीं चलाना चाहते हो, इतनी बेरोजगारी कह रहे हो? मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा रोजगार बेरोजगारी है, मैंने बोला क्या? मैंने नहीं बोला ना बेरोजगारी हो, तुम बेरोजगारी कह रहे हो, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो, तुम बॉस बनना चाहते हो, डोलना चाहते हो, नहीं सरकार देने के लिए देने नहीं आएगी। ठीक है, नहीं रखना मुझे माइक, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे भैया से बात करनी है। एक मिनट रुक जाइए। आप कह रहे हो मैं बेरोजगार हूँ, आप ये भी कह रहे हो मैं बॉडी बिल्डिंग 8 साल करी है, रोजगार तो आपके पास वो भी है। तो सर मैं घूमता रहा जॉब के लिए, नहीं मिली क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बताया तो रिक्शा चला लो यार, एक मिनट रुक जाइए, रिक्शा चला लो यार, रिक्शा चला। भाई सुनो, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कल को अगर मैं भी बेरोजगार होता हूँ ना, मैं किसी काम को लेकर ऊंचा नीचा नहीं समझूंगा, मैं किसी काम को, चाहे मुझे बर्तन भी मान देने हो लोगों के घर में, मैं उस काम को अच्छा और बुरा नहीं बोलूंगा। काम काम होता है, जहाँ मुझे मेरी जीविका मिलेगी वो मेरा रोजगार है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों चला लूं? तू नौकरी ढूंढ रहा है, भगवान तेरे को नौकरी देगा, मैं मानता हूँ। जब तक नहीं मिल है भैया इनके पास, जब तक नहीं मिल पा रही तो भाई रिक्शा चला ले, क्या गलत है इसमें? उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? 27 है, सच बता रहे हो ना? मैं ए बताओ, आप बॉडी बिल्डर हो, पेट भी निकल रहा है, अच्छा खा भी रहे हो, तो फिर बेरोजगार कैसे? बॉडी मसाज भाई, मैं 1500 रुपए देख रहा था मसाज के, 1500 रुपए 4 दिन, मैं 1500 रुपए देख रहा था मसाज के। 4 दिन हो गए आए हो काम नहीं? चल मेरे को अपने नंबर दे, मैं मसाज के लिए बुलाऊंगा। अच्छा, सवाल ये है, बुलंद शहर से हो भैया? आज बुलंद शहर से, आज राहुल गांधी भी पहुंचे वहाँ पे, तो जब नहीं गए तो वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया, युवा कह रहे थे बेरोजगारी भी है, लोग परेशान भी हैं। मोदी सरकार को ऐसी, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, हमें सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना,
कि ये राहुल गांधी आए, मोदी जी आए, ये हमें सरकार से कोई मतलब नहीं। हमें सरकार से यही मतलब है जो हमारे ये भाई बंधे बेरोजगार रोडों पे सो रहे हैं, आके देखें। आप तो घरों में सो रहे हो, कुछ लोग रोडों में सो रहे, कुछ बैरलैंड में सो रहे, कुछ गुरुद्वारे में खा रहे, कुछ मंदिरों में खा रहे। सुनो मेरी बात, ओ भाई रुक जा, चिल्ला क्यों रहा है, गला क्यों फाड़ रहा है, हमारी भी सुन ले। मोदी जी ने, देश की सरकार ने गरीबों को रोजगार देने के लिए इतनी सारी ई रिक्शा इंट्रोड्यूस करी है, उसके अलावा NMSME में उनको लोन दिए है, ठीक है, उनको रोजगार के लिए उनको लोन भी दे रहे हैं कि 6 महीने का अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको लोन भी देंगे। तो भाई है कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, क्या कर सकते हो देश में बताओ, क्या कर सकते हो बताओ, मुझे ये बताओ, क्या इनोवेट कर सकते हो जो तुम्हारी बिक्री बाजार में होगी, बताओ, है कुछ दिमाग में, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ है प्रोडक्ट दिमाग में, नहीं। 2014 से पहले तो सारे अंकल रुक जाओ एक सेकंड, पहले रुक जाओ अंकल एक सेकंड, कोई ऐसा मुझे प्रोडक्ट बता जो तू इनोवेट करेगा और तू देश में उसे रोजगार लाएगा, बता। तो मैं मोदी जी से क्या सरकार से मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तेको लोन दे, तेको आगे बढ़ने का लोन दे, रोजगार बनने का लोन दे, बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, जवाब। प्रोटीन बना लोगे, कंपनी खोलूंगा, एक सेकंड, किस चीज कंपनी खोलूंगा, रोजगार दूंगा, कंपनी कौन सी कंपनी, कपड़े की कंपनी, किसकी कपड़े की, कपड़े की कंपनी खोलोगे, कपड़े की कंपनी खोलोगे, कितने टाइप के कपड़े होते हैं, जींस पैंट रखे इस टाइप के, अबे नहीं भाई, मैं कपड़े कह रहा हूँ कॉटन लिनन सिल्क जींस कोट पैंट से बाहर निकल भाई, मैं कपड़े की फैब्रिक की बात कर रहा हूँ, कितने कपड़े होते बता। कल को तू जाएगा कहीं से लोन मांगेगा, मैं भी अगर कुछ इन्वेस्ट करवा कर तो लॉन्च करूंगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप किस आवाज रहे हो यार तुम भाई, मैं पानी के बोतल का बिजनेस भी खोलूंगा, मुझे पता होना TDS इतना होता है, पानी की बोतल की प्लास्टिक इतनी आएगी, इतना मैं इन्वेस्ट करूंगा, उतना पैसा आएगा, इतना मैं बेचूंगा तो इतना मुझे मुनाफा होगा, है कोई तुम्हारे पे प्रपोजल रखने का। अरे यार वो भाई कैसे बात कर रहे हो यार, भाई 8वीं पास है यार, उसको क्या पता होगा। नहीं भैया कैसे मान लो 8वीं पास है, कैसे मान लो 8वीं पास है, हां कैसे मान लो, क्यों भाई, भाई हौसला बढ़ा है भाई इस चीज का, कैसे मान लूं मैं इस चीज को। अभी भाई ने जिम का बोला कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, तो करो बॉडी बिल्डर में कुछ अच्छा, ठीक है, इतने दिन मैंने जितने मैट वो चला रहे 8वीं पास भाई, आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को जॉब चाहिए और बॉडी बिल्डिंग में चाहिए, या पुलिस में, भाई मेरी जो मेरे को फौज में लगा दो सीधी, मेरे को जॉब चाहिए फौज की, माय गॉड भाई फौज की जॉब चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ, तुमने 8वीं फेल कैसे हो गए, आगे क्यों नहीं पढ़े, मैं गरीब हालात से, मुझे मैं इस चीज को समझता हूँ, मैं गरीब हालात से नहीं पढ़ पाया, मैं मेरे को पोस्ट चाहिए फौज की, मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ भाई, मैं भी गरीब घर से हूँ, सुन ले मेरी बात, मुझे ज्यादा अमीर मत मान।